यदि आपका भी खाता एक्सिस बैंक में है तो आप चाहें तो एक्सिस बैंक के किसी भी एटीएम मशीन से बिना एटीएम कार्ड के ही पैसे निकाल सकते हैं। तो इसे कैसे करना है चलिए देख लेते हैं। एक्सिस बैंक के किसी एटीएम मशीन से बिना डेबिट कार्ड के पैसे निकालने के लिए हमें अपने मोबाइल में एक्सिस मोबाइल एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है और उसमें लॉगिन पिन डालकर लॉगिन हो जाना है। यहाँ पर हमारे अकाउंट का ट्रांजेक्शन दिया है। यदि हम पेज को ऊपर खिसकाते हैं तो यहाँ नीचे में आप देखेंगे और भी बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, जिनमें से यहाँ पर एक ऑप्शन है व्यू मोर। हम इस व्यू मोर पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही हम व्यू मोर पर क्लिक करेंगे तो और भी बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे, जिनमें से यहाँ पर देखिए ऑप्शन है कार्डलेस कैश विड्रा, इस पर हमें क्लिक करना है। अब देखिए कार्डलेस कैश विड्रा में यहाँ नीचे में दो ऑप्शन दिए हैं, न्यू ट्रांसफर और इस साइड में है एड पेई, और न्यू ट्रांसफर के जस्ट नीचे दिया है पेई, और पेई के जस्ट नीचे में है सेल्फ, और सेल्फ के जस्ट बगल में दिया है ऊपर के लिए देखिए यहाँ पे एक एरो का निशान है, हम इस एरो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे लिखा आ रहा है यू हैव नॉट रजिस्टर्ड योर सेल्फ फॉर कार्डलेस कैश विड्रा, प्लीज क्लिक ओके टू कंटिन्यू विद द सेल्फ रजिस्ट्रेशन। यानी हमने यहाँ पर कार्डलेस कैश विड्रा के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो अभी हम ओके पे क्लिक करेंगे। हमारे बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पे ऑटोमेटिक आ गया है, नीचे दिया है कम्युनिकेशन एड्रेस, तो हमारा जो भी एड्रेस है उस एड्रेस को हमें यहाँ पे डाल देना है और नीचे डालना है पिन कोड। इतना डिटेल डालने के बाद कंफर्म पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया सक्सेस, यू हैव सक्सेसफुली रजिस्टर योर सेल्फ फॉर द कार्डलेस कैश विड्रा, यानी हमने यहाँ पे कार्डलेस कैश विड्रा के लिए खुद को रजिस्टर कर लिया है। अब नीचे दिया है डू सेल्फ कैश विड्रा, इस पर क्लिक करेंगे तो वापस से हम पहले वाले पेज पे पहुंच गए हैं जहाँ पे लिखा है सेल्फ, और सेल्फ के बगल में ऊपर जाता हुआ तीर का निशान है, इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमारे बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आ चुका है और नीचे डालना है अमाउंट, तो अमाउंट में हम मिनिमम 500 और मैक्सिमम 5,000 रुपये तक डाल सकते हैं, यानी एक्सिस बैंक के एटीएम मशीन से बिना डेबिट कार्ड के एक दिन में हम मिनिमम 500 और मैक्सिमम 5,000 रुपये तक निकाल सकते हैं। यहाँ नीचे में हमारा सेविंग अकाउंट तथा अकाउंट का बैलेंस दिया है, और उसके बाद यहाँ दिया है ट्रांजेक्शन पिन जो कि हमें 4 अंकों का सेट करना है, तो अपनी मनपसंद से कोई भी हम 4 अंकों का ट्रांजेक्शन पिन सेट कर लेंगे, और रिमार्क में हम डालते हैं कार्डलेस कैश विड्रा, उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। यदि आप एक्सिस बैंक के एटीएम मशीन से बिना डेबिट कार्ड के ही पैसे निकालना चाहते हैं तो एक ट्रांजेक्शन के लिए आपको 25 रुपये चार्ज देना पड़ेगा, चाहे आप 500 निकालें, 1,000, 2,000 या 5,000। चलिए ओके पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर कंफर्मेशन के लिए आ गया है तो एक बार आप सब कुछ अच्छे से चेक कर लीजिए, जैसे कि ये हमारे बैंक अकाउंट में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, यहाँ नीचे अमाउंट दिया है, ये हमारा सेविंग अकाउंट तथा अकाउंट का बैलेंस, और जो हमने ट्रांजेक्शन पिन यहाँ पे सेट किया है वो ट्रांजेक्शन पिन यहाँ पे शो हो रहा है, और रिमार्क में है कार्डलेस कैश विड्रॉ। यदि हम पेज को ऊपर खिसकाते हैं तो यहाँ नीचे में देखिए एक और डेट शो हो रहा है जो कि है इसका लास्ट डेट, यानी यदि हम आज रिक्वेस्ट करते हैं तो अगले 10 दिनों तक ये वैलिड रहेगा, यानी 10 दिनों के अंदर हम जब चाहें तब ये पैसा निकाल सकते हैं। जब तक हम ये पैसा निकालेंगे नहीं तब तक हमारे अकाउंट से पैसा माइनस नहीं होगा। यदि 10 दिन भी क्रॉस हो जाता है और हम इस पैसे को नहीं निकालते हैं तो ये पैसा हमारे अकाउंट में ही रह जाएगा, हमारे अकाउंट से माइनस नहीं होगा। अब इसके बाद यहाँ नीचे कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ डालना है एक्सिस मोबाइल एप्लीकेशन का एम पिन। जैसे हम एम पिन डालेंगे तो हमारे बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल होकर वेरीफाई हो जाएगा, हमें ओटीपी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे ही प्रोसेसिंग कंप्लीट होगा तो हमारे बैंक में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक एसएमएस आएगा, और उस एसएमएस में 4 अंकों का एक और पिन होगा जिसकी हमें बाद में जरूरत पड़ेगी। तो हमने यहाँ पे कार्डलेस कैश विड्रा के लिए रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सबमिट कर दिया है। अब हम चलते हैं एक्सिस बैंक के एटीएम मशीन में, तो आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर एक्सिस बैंक के एटीएम मशीन में आ चुका हूँ। यदि आप एटीएम मशीन के स्क्रीन पे देखेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन है ट्रांजेक्ट कार्डलेस आईएमटी, इसी पे हमें क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन खुल गए हैं, जिनमें से तीसरा ऑप्शन है आईएमटी कार्डलेस कैश विड्रा, इस पे क्लिक करना है। फिर से यहाँ पर 2 ऑप्शन आए हैं, पहला है कैश विड्रा, दूसरा कैंसिल, तो हम यहाँ पर विड्रा कैश पे क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ डालना है अपने बैंक अकाउंट पे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर डालकर कन्फर्म एंड प्रोसीड, इस पे क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ डालना है ट्रांजेक्शन पिन, यानी
जो हमने कार्डलेस कैश विड्रा के लिए रिक्वेस्ट किया था, तो उस टाइम हमने एक्सिस मोबाइल एप्लीकेशन में 4 अंकों का ट्रांजेक्शन पिन सेट किया था, उसी ट्रांजेक्शन पिन को हमें यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद कंफर्म एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब उसके बाद SMS के रूप में जो हमें 4 अंकों का पिन मिला था उस पिन को डाल देना है। अब इसके बाद फिर से हम कंफर्म एंड प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। अब डालना है हमें अमाउंट, तो जितना हमने पैसे का रिक्वेस्ट किया था उतना अमाउंट हम यहाँ पे डाल देंगे। उसके बाद कंफर्म पे क्लिक करेंगे। बस हमें मात्र इतना ही करना है। और देखिए ATM मशीन में पैसे काउंट हो रहे हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर पैसे निकल भी चुके हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप लोग भी एक्सिस बैंक के किसी भी ATM मशीन से बिना डेबिट कार्ड के पैसे निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आप लोग पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें। हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक और ज्ञान वाली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।